What does the graph say? Good morning, friends. Welcome once again to Nifty Analysis from TradingFab.in. आज 8 जनवरी 2020 वेनसडे है, सुबह के 8:20 हो रहे हैं। कल निफ्टी इंडेक्स में हमने देखा एक रिकवरी आने की कोशिश थी, एक बाउंस बैक आने का कोशिश था, लेकिन वो जो मंडे का जो फॉल था उसके हाई के ऊपर नहीं जा पाया, ऊपरी लेवल पे सस्टेन नहीं हो पाया और फिर से टूवर्ड साउथ की तरफ आकर एक बोरिंग कैंडल जैसा पैटर्न वहां पर क्रिएट हुआ। तो अभी आज क्या निफ्टी में इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं? ग्लोबल सिनेरियो देखें तो यूएस और ईरान के बीच में जो वॉर जैसा हालत पैदा हुई है, तो ईरान ने भी अभी जबरदस्त रिटेलिएट किया है, यूएस के ऊपर अटैक किया है इराक में। तो ग्लोबल मार्केट्स के सेंटिमेंट्स भी देखेंगे और उसके बाद निफ्टी के लिए इंट्राडे लेवल्स क्या हो सकती है उसको आइडेंटिफाई करेंगे। लेकिन सबसे पहले कल के एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू। ये कल का पिक्चर है, यानी 7 जनवरी आफ्टर मार्केट आज से पिक्चर लिया हुआ है। कल का वीडियो अगर आपको देखना है तो ऊपर आए बटन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो कल ब्रेकआउट लेवल हमारा बन रहा था 12,013 और ब्रेकडाउन लेवल बन रहा था 11,972। तो जैसे कि आप देख रहे, शुरू में तो कोई ट्रेड नहीं बना, हमारा जो सेकेंड टारगेट था इसके ऊपर निफ्टी इंडेक्स ओपन हुआ, काफी ऊपर निफ्टी इंडेक्स ओपन हुआ और टूवर्ड्स ये नॉर्थ की तरफ मूव करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सस्टेन नहीं हो पाया। जो मंडे का जहां से फॉल आया था उसके ऊपर ये जा नहीं पाया और टूवर्ड्स साउथ की तरफ इसने मूव किया और एग्जैक्ट हमारा जो ब्रेकआउट लेवल था इसके पास आके इसने सपोर्ट टेस्ट किया और यहाँ से एक बाउंस बैक दिखाया। तभी हमारा फर्स्ट टारगेट 12,028 ये अचीव हुआ और सेकेंड टारगेट 12,048 ये भी यहाँ पर अचीव हुआ और इसी के पास आके ऑलमोस्ट ये क्लोज हुआ। तो कल के प्लान के अकॉर्डिंग ऑलमोस्ट 17 पॉइंट्स का ट्रेड करने का मौका था और 10 लॉट्स के हिसाब से अगर ट्रेड करते तो अराउंड 12,750 का यहाँ पर प्रॉफिट बन सकता था। तो ये कल था कल का एनालिसिस का एक क्विकली रिव्यू। ग्लोबल मार्केट्स के हालात देख लेते हैं। सबसे पहले कल यूएस मार्केट में नासडैक देखे तो हल्की सी गिरावट के साथ बंद हुआ। यूरोपियन मार्केट्स भी देखे तो वहां पर कमजोरी देखने को मिली, हालांकि जर्मन मार्केट 99 पॉइंट के बढ़त के साथ कल बंद हुआ था। एशियाई बाजार देखे तो एसजीएक्स निफ्टी अभी लगभग 103 पॉइंट की गिरावट के साथ ट्रेड कर रहा है और जापानीज इंडेक्स, हांगकांग इंडेक्स और चाइना मार्केट में भी गिरावट देखने को मिल रही है साफ तौर से। और डाउ जोन्स, अभी डाउ फ्यूचर की बात करें तो 82 पॉइंट्स की इस समय गिरावट दिखा रहा है। तो ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स में भी ये प्रेशर जो है वॉर के वजह से वो बना हुआ देखने को मिल रहा है। चलते हैं निफ्टी के चार्ट के ऊपर, वीकली चार्ट से शुरू करेंगे। वीकली चार्ट में जैसे कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, यहाँ पर हैंगिंग मैन जैसा कैंडलस्टिक बन गया था, अभी ये कंफर्मेशन वाला ये कैंडल बन रहा है। अभी तक वीक खत्म नहीं हुआ है, तीसरा दिन है इस वीक का, तो यहाँ पर एक बियरिश कैंडलस्टिक हमें देखने को मिल रहा है। यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट का ये जो लो और हाई पकड़ के ये टूल को इसको ड्रॉ किया है तो उसका 23.6% का लेवल 11,910 के पास आ रहा है, जहां पर प्रीवियस हमने देखा था पास्ट में इसने रेजिस्टेंस फेस किया था और कुछ दिनों पहले यहाँ पर छोटा सा एक स्विंग लो बना के बाउंस बैक दिखाया था। तो फर्स्ट इमीडिएट सपोर्ट तो 11,910 का होगा और उसके बाद ये 20 EMA एज पर वीकली चार्ट 11,832 के पास आ रहा है, ये नेक्स्ट सपोर्ट का यहाँ पर काम कर सकता है। ऊपर जाने के लिए इसे फिर से एक बार जो ऑल टाइम हाई है उसके ऊपर इसे सस्टेन करना पड़ेगा, तो ही यहाँ से हम कह सकते हैं कि यहाँ से अपसाइड रैली प्री बजट में मार्केट में एक अपसाइड रैली देखने को मिल सकती है। लेकिन पहले तो अभी ये जो पैनिक मूव आया है, पैनिक न्यूज आया है, उसके वजह से मार्केट कहाँ तक नीचे की तरफ सस्टेन कर पाता है ये देखना बहुत जरूरी होगा। तो फर्स्ट सपोर्ट 11,910 का यहाँ पर बनेगा। चलते हैं डेली चार्ट में। डेली चार्ट में जैसे कि हमने कल के वीडियो में भी कहा था, ये जो अभी 20 EMA है इसके ऊपर इसे सस्टेन करना पड़ेगा। कल देख सकते हैं आप एग्जैक्ट इसने इसके पास रेजिस्टेंस फेस किया और फिर से एक बार साउथ की तरफ मूव हुआ और ये एक बोरिंग कैंडल जैसा इसने यहाँ पर फॉर्मेशन दिखाया है। जो मंडे का हाई और लो था इसके बीच में ये ट्रेड कर रहा था, तो यहाँ पर इनसाइड बार ट्रेडिंग हुआ था। तो अभी इस ये जो बियरिश कैंडल स्टिक है इसका हाई और लो ये काफी अभी क्रूशियल हो जाता है। अगर ये 50 EMA और ये मंडे के कैंडल का लो अगर ब्रेक करता है तो निफ्टी इंडेक्स यहाँ से और भी टूवर्ड साउथ की तरफ हमें मूव करता हुआ दिखाई दे सकता है।
तो एज पर डेली चार्ट फर्स्ट सपोर्ट 11,910 का होगा जो कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट का लेवल है, और उसके बाद यहाँ से जो स्विंग लो इसने पास्ट में बनाए थे अराउंड 11,840 के पास, ये दो, ये एक और ये दो, तो यहाँ पर नेक्स्ट सपोर्ट होगा 11,840 के पास, और उसके नीचे ये 100 ईएमए आ रहा है एज पर डेली चार्ट जो कि 11,782 यानी ऑलमोस्ट 800 के पास है। तो ये नेक्स्ट सपोर्ट के लेवल्स होंगे अगर निफ्टी इंडेक्स यहाँ से टूवर्ड साउथ की तरफ मूव करता है। तो फिलहाल आज के लिए क्या इंट्राडे लेवल्स हो सकते हैं उसको आइडेंटिफाई करते हैं। यह है 60 मिनट का चार्ट निफ्टी इंडेक्स का। 60 मिनट के चार्ट में अभी देखें तो ये जो शॉर्ट टर्म मिड टर्म लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस है अभी ये डिसेंडिंग ऑर्डर्स में है, पहला 100 फिर उसके बाद 50 उसके बाद 20 ईएमए, तो यहाँ पर क्लियरली हमें डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है। लेकिन डाउन ट्रेंड के लिए ये जो ट्रेंड का पैटर्न होता है ये ऐसे होता है, लोअर हाइज लोअर लो, लोअर हाइज लोअर लो बना के ये डाउन ट्रेंड चलता है। तो अभी यहाँ से ये जो फॉल आया है तो इसके बाद एक बाउंस बैक देखने को मिला है और ये फिर से अभी टूवर्ड साउथ की तरफ मूव कर रहा है। तो अगर इसे और भी अगर ये मूव करता है साउथ की तरफ तो पहले का इसको जो स्विंग लो है, ये पहले का जो स्विंग लो है ये इसे कंफर्टेबली ब्रेक करना होगा। तो ये कंटिन्यू हमें डाउन ट्रेंड एज पर जो पैटर्न होता है डाउन ट्रेंड का उसके हिसाब से ये और भी टूवर्ड साउथ की तरफ मूव कर सकता है, या फिर ये जो स्विंग लो बनाया है ये सपोर्ट का भी काम कर सकता है। तो ये लेवल ब्रेक होता है तो ही ये डाउन साइड यहाँ से और भी फर्दर टूवर्ड साउथ की तरफ मूव कर सकती है। तो आज के लिए हमारा ब्रेकडाउन लेवल होगा पिवट पॉइंट का, ये जो S1 का लेवल है ये हमारा ब्रेकडाउन लेवल होगा आज के लिए, क्योंकि अगर इसे मैं लाइन चार्ट में कन्वर्ट कर दूं तो यहाँ पर कंप्लीटली क्लियर एक स्विंग लो हमें दिखाई देगा। तो आज का ब्रेकडाउन लेवल होगा 11,988, इसे मैं कलर चेंज कर देता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ ये होगा हमारा ब्रेकडाउन लेवल। तो ये है हमारा आज के लिए ब्रेकडाउन लेवल, इसके नीचे अगर जाता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं और तभी हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 11,964, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और सेकेंड टारगेट होगा 11,938, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा, काफ़ी लंबा है सेकेंड टारगेट। तो ये हमारा टूवर्ड्स अगर साउथ की तरफ निफ्टी इंडेक्स मूव करता है तो ये हमारे लेवल्स होंगे ब्रेकडाउन लेवल, फर्स्ट टारगेट और सेकेंड टारगेट। और अगर ऊपर की तरफ मूव करे तो पिवट पॉइंट का ये जो लेवल है ये लेवल, इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो ही इंट्राडे के लिए हम यहाँ पर बाय पोजिशन बना सकते हैं। इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ और ये होगा हमारा ब्रेकआउट लेवल, ब्रेकआउट लेवल, ठीक है। और इसके ऊपर सस्टेन करता है तो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 12,087, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा और सेकेंड टारगेट होगा यहाँ पर 12,117, ये हमारा सेकेंड टारगेट होगा। तो ये है निफ्टी के लिए आज के लिए इंट्राडे लेवल्स। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर करें, कमेंट करें, आपके दोस्तों के साथ इस यूट्यूब चैनल को जरूर शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।